तो है नहीं कि भैन चोत खिचड़ी बनाओ दूध पियो। यहाँ पे भैन चोत रोज के हजारों पौन चोत डील्स होती है हमारी। भैन चोत यहाँ होगा ओ बहन के लंड, कंडोम का पैकेट दे, छोड़ना है हमको, कंडोम का पैकेट दे। ओ सॉरी सॉरी, क्या माफ कर दो, मैंने ज्यादा ही बोल दिया, मुझे नहीं, माफ कर दो, मैंने अरे नहीं ज्यादा ही नहीं बोल दिया। अरे नहीं नहीं तू तगलू बोल, सुधर जा तू सुधर बोलता है, जा। सुन, तू बोलता है ना दीपक, तो ही मुझे मजा आता है। तू नहीं बोलता है तो मुझे मजा मत आता है। परौड़ी जितने भाई भी, गोंद लात मारा दो चार। हाँ देखो न्यूयॉर्क के जो लोग हैं ना, वो मेरी कॉमेडी को समझते हैं, लेकिन इंडिया के लोग मेरे कॉमेडी को गुस्सा करते हैं। आपका दिल बहुत बड़ा है, मेरे मम्मी ने कहा कि वो इतने बड़े बिजनेसमैन हैं, लेकिन उनका दिल बहुत बड़ा है कि वो तुम्हारी बातों का बुरा नहीं मानते हैं। नहीं दीपक, मुझे तेरी बातों का बुरा मत लगता है। मुझे इसलिए बुरा नहीं लगता है कि तेरी बातों में मुझे हंसी आती है। कभी कभी तेरी बातों से मुझे रोना आ जाता है। कि एक बार तू बहुत ही इमोशनल हो गया था और तूने बोला था तेरी वीडियो में कि दीपक कलाल ने सेक्सुअलिटी और इंसुअलिटी के दोनों के बीच का लोगों को फर्क बताया। दीपक कलाल देखो ने यूट्यूबर होके लोगों को हंसाया। दीपक कलाल ने बड़े बड़े शो में जाके शो को जज किए, लेकिन ये दीपक कलाल को आज तक किसी का प्यार नहीं मिला। सिर्फ मिली तो और लाते और गालियां मिली, कभी किसी का प्यार नहीं मिला। हाईवे पे ठुकाई मिली इसको, हाईवे बीच हाईवे पे ठुकाई, देश नहीं छोड़ के नहीं दबा नहीं रेलवे लेकिन पे। अभी मुझे प्यार मिलेगा, अभी लोग मेरे कॉमेडी को अब एक्सेप्ट कर रहे हैं, हर जगह पे मुझे प्यार मिल रहा है। एक और अब दीपक को इतना प्यार बात मिल रहा है कि इसमें बड़ी होती संभाला नहीं जा रहा। है, तुम्हें पता है मुझे दुबई में बुर्ज खलीफा में कमरा बुक कर रहे हैं 31 दिसंबर के लिए, और उन्होंने मुझे एडवांस भी भेजा। तो अच्छा, वो बुर्ज खलीफा में तेरा होटल बुकिंग हुआ है तो ध्यान रखियो कि वहां का शेख है ना, लंड के ऊपर तेल लगा के तुझे बिठा ना दे। अरे मैंने तो बड़े बड़े पहाड़ मेरे अंदर तक समाए हैं, हिमालय की चोटियां मैंने अंदर तक समाई हैं, तो कुछ खलीफा कौन सी बड़ी बात। अच्छा, तो तू जा रहा है कोई दूसरी? दुबई तू कब जाने वाला है? दिसंबर दिसंबर, लेकिन वहां पे अवेलेबल नहीं होता है ना, इसीलिए अभी ठीक से है मनीष भाई। बाद में अवेलेबल नहीं होता है वहां पे। अच्छा, तो दीपक कई दिसंबर में तो संभाल के जाना यार मेरी जान, क्योंकि वहां के शेख लोगों को बहुत हवा भी शौक रहते हैं, तो कहीं वो तुझे रख ना ले उधर ही अपनी क्वीन बीन बना के। अरे जो मुझे बोल रहा है उसने ही मुझे रख लिया है, जो बुला रहा है पहले ही। उसने ही तुझे रख लिया अभी, तो इसको खरीद लिया उसने। दुबई से तू वापिस आने वाला है या मत आने वाला है? राम राम भाई, राम राम भाई, राम राम। कैसे हो भाई? बढ़िया भाई, एक मिनट रुक जाओ भाई, वो दीपक को ले लेता हूँ दोबारा से। मैं एक ले मिनट लो। विनीत भाई, मैं ज्वाइन होता है यार, ये फोन कर करके दिमाग का भूसड़ा हो गया है यार, मैं एक मिनट में ज्वाइन होता हूँ। एक मिनट, अरे पुनीत भाई ठीक ठाक हो? हाँ जी, हाँ जी भाई, बिल्कुल बढ़िया। आप बताओ कैसे हो? बढ़िया भाई। राम राम भाई दीपक। रोम रोम, आपका नाम ठीक ठाक है लोहिया भाई? होगा? लोहिया, आवाज ना आई आपकी? अरे आपका नाम लोहिया है ना? लोहिया, मेरा नाम है मजनू सतीश भाटी। अच्छा, हाँ, क्योंकि कल एक बॉडी बिल्डर आए थे, उनका नाम लोहिया था, वो भी आपके ही जैसे दिखते हैं। गोत्र होती है लोहिया, गोत्र होती है गुजरों में। हूँ अच्छा, तो आप इमरान हाशमी जैसे दिखते हो, आपको पता है? तो बिल्कुल, मैं मजनू हूं ना, तो इमरान हाशमी का छोटा भाई हूं, बराबर मैं लेता चाहता हूं। हूं कि आप, आपकी जुबान बाहर निकालकर आपके होंठ गिले करें। अच्छा मतलब तो कोई शेर आवे तो सही, कोई मेरे दौरे जो मेरे होठों को गीला करे, अपने होठों में होठ दे लूं।
तुम ऐसे सोचो कि तुम भाई तारे दौरा दीपक आएगा, दीपक दीपक भाई के लिए तो मैं परेशान हूँ, मैं तो चाह रहा हूँ दीपक भाई एक बार आवे मेरे पास, वैसे अच्छे इंसान है ये। भाई दीपक भाई की तारीफ बहुत सुनी है मैंने, बहुत ज्यादा। मैं रियलिटी में बहुत ही अच्छा लड़का हूँ, जैसे मैं वीडियो में हूँ वैसे बिल्कुल भी नहीं हूँ। अच्छा नहीं, वो तो आपको देखने पे लगता आपके अंदर एक अलग ही ताकत दे दी ऊपर वाले ने। हाँ, और मैं बहुत ही टैलेंटेड लड़का हूँ, मुझे फ्रेंच, इंग्लिश, इटालियन और स्पैनिश लैंग्वेज आती है। मैं भी कल परसों युगांडा से आया था, उस टाइम मैंने आपके बारे में सुना था, मनीष भाई ने बताया था। युगांडा की जो कैपिटल है वो कंपाला है। आप कब गए थे? मुझे सब पता है। और ये जो वो रुवांडा जो है ना, उसकी कैपिटल किनली है, और वहां पे बहुत आईटी सेक्टर है और वो बहुत ही क्लीन, नीट एंड क्लीन शहर है। दीपक भाई मैं पहले ना आपकी वीडियो नहीं देखता था, लेकिन कुछ टाइम से जब मैंने एक दिन आपको नाइट में देखा, 4-5 बजे के टाइम आपके साथ दो लड़की बैठी हुई थी, आप उनको बहन बोल रहे थे, रो रहे थे शायद आप। अरे तो, मैं थोड़ी ऐसे दिल से रोता हूँ, मैं तो ऐसे ही इमोशनल बातें करता हूँ ताकि लोग दिल से, तो मेरे भाई दिल से कोई होता है कुछ? दिल से तो कुछ भी नहीं होता भाई। राम सही कहा, राम राम भाई, राम 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 भाई, पुनीत राम राम। ठीक है दीपक भाई, दिल में तो कुछ भी नहीं है, बेकार है, कचरा ही कचरा भर रहा है, क्योंकि जो चीज मैंने दिल से की है मुझे धोखा ही मिले है। बीरबल, मेरी सभी गर्लफ्रेंड ने मुझे धोखा दिया। राखी सावंत मेरे 40 करोड़ लेकर भाग गई। भाग खा गई? अच्छा जी, दीपक मेरे 40 करोड़ खा गई, निकल गई, खा गई। अरे दीपक भाई आप गुजरो गुजरन की जान बनते जा रहे हो, 40 करोड़ कोई मायने रखे हैं? भाई मुझे गुजर भाइयों ने जो प्यार मिला, मेरी मम्मी के आंखों में आंसू आ गए जब मेरे मम्मी ने मेरी रैली देखी। अरे भाई हमारे पुनीत जो ये भाई कभी इधर भी आओ, पुनीत भाई के साथ ग्रेटर नोएडा की तरफ भी आओ कभी। और पुनीत भाई ने मुझे कहा कि अभी तुम अच्छे अच्छे वीडियोस बनाओ, गाली गलौज मत करो। भाई कुत्ते भौंकते भौंकने दो इनको, इनकी कोई औकात नहीं होती है, आपसे चिढ़ते है, आप जैसे ऊपर जा रहे हो चिढ़ते है ये लोग आपसे। ऊपर जाने का मतलब ऊपर चढ़ रहा है मंजिल, कभी ऊपर पहुंच जाए। हाँ कभी ये सोचे ऊपर ना भेज रहा मैं, मतलब आप जो ना प्रोग्रेस जो कर रहे हो उसे देख के जलते हैं लोग। मुझे न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, हर जगह पे, अमेरिका, यूरोप बहुत फैंस है, और वो मेरी वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं, फॉरेन के लोग। विदेश की बात कर रहे हो बड़े भाई, मेरे कमरे में पुताई ना हो रही, मैं वैसे गोदाम में बैठा हूँ। 2000 रुपए की बाल्टी ना आ रही मेरे पे डिस्टेम्बर वाली, खुद ही अपनी खुद ही करवाएगा, यू तेरे पीछे लग जाएगा पुताई और कह दी तेने। ना ना दीपक भाई को बहुत बड़ा फैन हूँ मैं, क्यों करना चाहते हो भाई छुट्टी? अरे आप कमरे में चुदाई क्यों करना चाहते हो? दीपक भाई एक बात बताऊं, आपको देख के ना कभी ऐसा ना लगेगा, मतलब आपको देख के इंसान जो पागलपंती जरूर करता है लेकिन बाद में उनके चूतड़ फटते रहे वे। यो सोचा बहन चो एक बार दीपक की गैल में भी होता है यार, काश यो बंदा आगे को ले जाता है, फूके है उनके चूतड़ पीछे से। सही बात है भाई। सुमित भाई ठीक है, और भाइयों को ऐड कर लेता हूँ भाई। ठीक है भाई, पुनीत भाई धन्यवाद भाई, ले ले करो हमें भी कदी कदी, हम भी यार इतने बड़े तनवा बड़े भाई पर दिल से बहुत बड़े अपने भाई को। अरे भाई कैसी बात कर दी भाई, पता क्या भाई, एक्चुअल में मैं बताता हूँ, देखो जितने भी सारे लाइव देख रहे हैं ना भाई, देखो मेरे को जो आप देख रहे हो ना, आपको जो मैसेज दिखते हैं मुझे वो दिखते ही ना है भाई, मेरे को 2-4-10 पहुंच दिखे है भाई। नेट घूम गो भाई का, नेट घूम गो पुलिस, नेट घूम गो। अच्छा नेट घूम गो भाई को, गए दिखे भाई भी घूम गो दिखे फिर। हाँ घूम गो और ले ले किसी भाई कोई अपना जो भी कर रहे हो रिक्वेस्ट कर रहे हो जाना। पनौड़ी भाई, भाई गुजराल, गुजराल को भी लो, गुजराल को, गुजराल को वो रिक्वेस्ट भेजेगा तो लूंगा ना। गुजराल भाई रिक्वेस्ट भेजो यार अपने भाई, उनको भी ले लो थोड़ा 5-10 मिनट के लिए। दीपक लव यू टू ब्रो। दीपक अरे यार मेरे कारण तुमको तुम्हारा बिजनेस जो है वहां पे छुट्टी लेनी पड़ी, मैं माफी चाहता हूँ इसके लिए, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। अरे मैं दीपक तू है ना, कभी कभी अरे मैं ओनर हूँ दीपक, मैं मेरी मर्जी से जाता हूँ, मेरी मर्जी से आता हूँ, मेरी मर्जी से मैं गोंट देता हूँ,
मैं सब कुछ अपनी मर्जी से करता हूँ। ओके समझा ना, हमारा ऐसा नहीं होता है बेंच और 9 बजे मेट्रो में निकलो पसीने से तर बदर, फिर बेंच और तुम लोग अगर वो कंपनी में टारगेट अचीव नहीं करते हो तो तुम्हारा बॉस तुम्हें पट्टा लेके तुमको मारता है। हमारा ऐसा नहीं होता है, तुमको लाते मारता है वो तुम्हारा बॉस, तुमको लात मार के निकाल लेता है वो तुमको जॉब से। हाँ हमारा ऐसा मत होता है, हमारा ऐसा होता है देख। हाँ तो दीपक बात ये है कि मैं तुझसे ये पूछ रहा था कि वो जो लेडी थी गोरेगांव की शेरडी, उसकी अभी हालत कैसी है? वो निकल तो नहीं गई यार, मैंने उसके लिए वीडियो बनाई, उसकी जो हालत है वो अभी ठीक है। अरे यार, 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 बहुत डिप्रेशन में थी यार। नेट गया भाई, पनौटी भाई तुम्हारा यार। अच्छा अच्छा अच्छा, वो डिप्रेशन में थी लेकिन मैंने उसे फोन किया, मैंने कहा कि तू चिंता मत करो तेरा भाई तेरे साथ है। चलो और यार मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने उसके लिए वीडियो बनाई, उसके दिल को तसल्ली मिली। और देखो यार मैं मानता हूँ कि हमारा जो तिरंगा है उसका हमको अभिमान है, लेकिन क्या होगा अगर वो डिप्रेशन में चली गई और अगर उसने कुछ अपने जान माल को खतरा कर लिया तो ये जितने भी लोग हैं ना जो उसको थ्रेट दे रहे हैं सब जेल में जाएंगे यार। अरे वो सही बात है, मेरी बात, वो डिप्रेशन में ना वो लाइफ बैठी तेरी फूफी दो बैठी लाइफ सच्ची। हाँ ना ना तेरी मम्मी पुरीत मम्मी दीपक तेरी मम्मी भाई, जो कुछ भी होता है ना दीपक। ओ पनौड़ी भाई यूं और बोल रही थी, अरे हाँ अच्छा उसको ऐड करो ठीक है अभी करवाती हूँ ओके। और भाई सुन दीपक, ये जितने भी इंस्टाग्राम पे है जितने भी इंस्टाग्राम के इंडिया में जो चलाते जो फेमस लोग है वो लोग है ना सुबह में उठ के वही देखते हैं कि भाई आज कंट्रोवर्सी कहाँ पे हुई है। अगर कुछ बंदे ने कुछ गलती से बोल दिया बस उसकी मां चोट डालो फिर फिर बेंच और फिर सब नेता बन जाएंगे, इसको ये करना नहीं चाहिए था वो करना नहीं चाहिए था, बस ऐसा ही है भाई। हालांकि उनके मुंह से गलत में शायद किसी फ्लो में निकला था वो बात है ना। अरे यार फ्लो में बंदा लेकिन यार मुझे सहा नहीं गया और मैंने कहा शेरनी झंडे का अपमान करेगी तू, झंडे का अपमान करेगी माफी मांग। नहीं सही बात, उसने माफी मांग ली तो मैटर खत्म हो गया। टॉपिक नहीं नहीं भाई वो टॉपिक देखो झंडे का टॉपिक मत छेड़ो प्लीज। कोई चलो भाई खत्म होगी बात खत्म होगी बिल्कुल बिल्कुल भाई, वो भाई हमारी जान से बढ़ गया हमारा झंडा तिरंगा, सच में बता रहा हूँ। देखो मजाक नहीं सच में बिल्कुल देखो मजाक अपनी ठीक है, जो उनसे फ्लो में देखो जो निकला गलती से निकला वो बात मैटर खत्म हो गया बिल्कुल मैटर। लेकिन शेरनी मेरी बहुत अच्छी दोस्त है और मैं शेरनी के लिए हमेशा खड़ा रहूंगा, और हमारे प्यारे प्यारे शेरनी ने सबसे माफी भी मांग ली है, मैं शेरनी को पप्पी दूंगा। शेरनी का पेटीएम आया क्या? वाह शेरनी का पेटीएम भी आ गया। हाँ और शेरनी के लिए तो मैं भी खड़ा रहूंगा दीपक। अरे तेरा खुद का खड़ा नहीं होता है भाई, जो दारू पी पी के तू कहाँ पे खड़ा होगा? दारू पी पी के बेंचो बैठ गया है, तेरा खुद का खड़ा नहीं होता है बेंचो, तू क्या दूसरे के लिए खड़ा होगा? मैंने सुन दीपक, मैंने डायलॉग बार में दीपक जलेबी वाला, मैंने मर्दानगी के मेरे बहुत ही ऐसे झंडे गाड़े हुए हैं जो मैंने तुझे तेरी ही लाइन में मेरी मर्दानगी के झंडे मैंने तुझे दिखाए थे एक बार, शायद तुझे याद होगा। अरे तूने झंडे गाड़े लेकिन तूने तेरे गौंड में गाड़े समझा, झंडे गाड़े कोड़ा हो के गाड़े कैसा है ना, जब तू कोड़ा होता है ना तो लोग ऐसा ये देख ये ऐसा
ये ऐसा ये ऐसे झंडे गाड़ते हैं ना लोग। अच्छा ले ले पनारी भाई ले ले पनारी गाड़ी रोक दे पनारी गाड़ी रोक के दिखाई दे। नहीं मैं ये सोच रहा हूँ कि जो बंदा लास्ट बोल रहा है पार देंगे सिस्टम पार देंगे भाई। नेटवर्क गए पनौड़ी भाई घूम गए तुम्हारा नेट आगे 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 भाई मेरे को एक समझ में नहीं आता है न्यूयॉर्क में नेटवर्क